तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि गौरी और युइची दोनों की ही ट्रायल स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी डिक्टेटर थी सावारा की शियो। उन दोनों के ही पास 12 बजे तक का टाइम था जब तक वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकते थे, और शियो ने भी बोल दिया था कि वो उनमें से रियल कल्प्रेट को ढूंढ के निकालेगी और उसे खुद उस गन से पनिश करेगी, जो कि उसका इंडिविजुअल टास्क भी था। बट युइची और लोगों से बोलता है अगर वो इस ट्रायल को एक दिन और एक्सटेंड कर दें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो शियो से भी बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गुनहगार खुद अपने आप 12 बजे से पहले निकल कर आएगा। ये बात सुन के गौरी बहुत परेशान था, और तुम लोगों को पता है क्यों। और जब एट लास्ट 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे तभी गौरी फ्रेश होने के बहाने से अपना मास्क ऑफ जस्टिस पहन लेता है और वहां पर वायलेंस करना स्टार्ट कर देता है। सारे ही लोग लॉस से बाहर निकल गए थे बट रीका अभी भी उसके अंदर थी, तो क्या अब गौरी उसे ही सैक्रिफाइस करेगा। सो इसी के साथ अब शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 53। इस दुनिया में स्कैरियस्ट थिंग इविल नहीं है बट वो आउट ऑफ कंट्रोल जस्टिस है, क्योंकि जस्टिस कभी भी नहीं आ सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अगर ये जस्टिस के लिए ही है तो कुछ सैक्रिफाइसेस अनअवॉइडेबल है। गौरी ने रीका को दबोच लिया था, रीका चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और शियो भी बाहर से बोलती है ऐसा मत करो गौरी सान, वो सिर्फ एक बच्ची है, क्या ये वही जस्टिस है जिसके ऊपर तुम इतना भरोसा करते हो। जिस पर गौरी बोलता है ऑफ कोर्स ये नहीं है और मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है। सो जब तक ये दिन खत्म हो मुझे यहाँ पर किसी ईविल का गेम ओवर करना है, और वो ईविल कोई और नहीं बल्कि काटागिरी युइची है। और यही सुनने पर बाहर से अरायना की बोलता है सो दूसरे शब्दों में अगर हम तुम्हें काटागिरी युइची दे दें तो तुम रीका मेरी बच्ची को छोड़ दोगे है ना। जिस पर गौरी हाँ बोलता है, और वैसे ही अरायना की चिल्लाने लगता है तुमने इसे सुन लिया ना काटागिरी कुन, तुम्हें अपने आप को मेरी बच्ची के लिए सैक्रिफाइस करना ही होगा। बट जब वो गौर से देखता है तो वहां पर काटागिरी था ही नहीं, और यही देखने पर शियो भी थोड़ी शॉक होती है कि आखिर युइची कहां पर गया। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि आखिर वो गायब कैसे हो सकता है, तभी शिंजी बोलता है वेल अगर तुम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो तो वो उस टाइम क्योस के बीच में ही निकल गया होगा, ये सच में एक इमरजेंसी का टाइम था। और तभी शियो गौरी से बोलती है ये गौरी सान युइची यहाँ पर नहीं है, तुम ये देख सकते हो, तो चलो कोई और सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। और इसी पर गौरी बोलता है अच्छा तो ये तो काफी बुरा हुआ, सो अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है बट मुझे इस बच्ची को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अरायनागी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, वो उससे भीख मांगता है, तभी उस पर गौरी बोलता है अगर तुम इतना ही गिड़गिड़ा रहे हो बट मैं फिर भी अपने आप को एलिमिनेट नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर मैं ही इस दुनिया से डिसअपीयर हो गया सो आके तुम जैसे वीक लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। और इसी पर होकुडो भी उसका मजाक उड़ाती है क्या ये सच में ये बात बोल रहा है, वो भी किसी वीक को होस्टेज बनाकर, वो सच में अभी होश में नहीं था। और ऐसा लाइफ में काफी बार होता है जब इंसानों के पास डू और डाई की सिचुएशन आ जाती है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। और इसी के साथ सिर्फ 7 मिनट बचे थे और तभी गौरी बोलता है ऑल राइट तो चलो मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन देता हूँ, मैं इसे जाने दूंगा अगर तुम में से कोई और इसकी जगह ले ले और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। और ये बात वो सारे ही लोग समझ गए थे क्योंकि उसकी प्लेस लेने का मतलब यही था कि वो इंसान खुद भी एलिमिनेट हो जाएगा। वहां पर सारे ही लोग बातें करने लगते हैं क्या ये मजाक चल रहा है, ये तो बिल्कुल अनफेयर होगा, बट यहाँ पर एक इंसान है जो कि ये कर सकता है, हाँ वो वही इंसान है एक बाप जो कि अपने बच्चे को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। और तभी अरायनागी बोलता है हाँ वो इंसान मैं ही होना चाहिए बट मैं सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरी वाइफ रीका की मदर एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, वो भी उसकी आंखों के सामने, सो अगर उसने अपने बाप को भी अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सदमे से कभी भी बाहर आ पाएगी। और तुम तो ये काफी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि तुम तो एक टीचर हो है ना, और आई होप जो कि बच्चों के साथ काम करता है वो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हार्म करने के लिए बार बार सोचेगा। लेकिन इसी पर किमी को बोलती है वो ये नहीं सोचेगा बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल वो किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है, फिर चाहे वो वेमेंस और बच्चे ही क्यों ना हो। और वो इंसान जिसने मुझे असॉल्ट किया था वो काटागिरी कुन नहीं थे बल्कि वो गौरी सान था, और मैं काफी डर गई थी कि वो मुझे दोबारा हर्ट करेगा और इसी वजह से मैंने फॉल्स टेस्टिमोनी दी थी। और यही सुनने के बाद शियो को भरोसा हो जाता है कि युइची इनोसेंट है, लेकिन तभी वहां पर आवाज आती है अब 2 मिनट से ज्यादा हो गए हैं तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या आंसर है। और हाँ एक और चीज, वो इंसान सावारा की सान नहीं हो सकती क्योंकि वो भी जस्टिस की साइड है और इस वजह से वो सैक्रिफाइस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और इसी पर शियो भी सोचती है मैंने ये सोचा था कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में मैं अपने आप को वॉलंटियर कर लूंगी बट अब आखिर मैं क्या करूँ,
और अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी होगा जो आगे बढ़ना चाहे, लेकिन तभी आवाज आती है, मैं ये करूंगा। और वो इंसान शिबे था। शियो उसे डांटते हुए बोलती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका मतलब यही है कि तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, उसे ये सारी चीजें पता है और उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है सावारागी-सान, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकती हो कि गौरी अभी काफी ज्यादा डेस्परेट है और वो किसी को भी हर्ट करने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, बिकॉज अभी उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और अभी उस बच्ची को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और उस गौरी को रोकने के लिए भी कि वो किसी को भी चोट ना पहुंचा पाए, उसे अपनी इस गन से उड़ा दो, क्योंकि तुम उसे घर के बाहर से शूट कर सकती हो और ये किसी भी अमेचियर के लिए काफी डिफिकल्ट होगा कि वो यहाँ से उसे शूट कर पाए, जबकि वो एक बच्ची को शील्ड की तरह यूज कर रहा है, और इसी वजह से तुम्हें उसे तब शूट करना है जब होस्टेजेस बदले जा रहे हो। लेकिन इसी पर शियो थोड़ी सहमती हुई बोलती है, हाँ ये सच है, इस तरीके से हम शेबेकुन और रीका चांद दोनों को ही बचा लेंगे, बट तब क्या होगा अगर ये बुलेट गलती से उसके कोई वाइटल ऑर्गन में लग जाए, तब गौरी-सान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसी पर शिंजी बोलता है, बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे नहीं, वो काफी नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें उसे ऐसे शूट करना है कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो भगवान जाने वो आगे क्या करेगा। आइडियली तुम्हें उसके सर पर एम करना चाहिए, बट वो अभी के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, सो अभी तुम उसकी चेस्ट पर एम करना और कम से कम दो बार शूट करना। लेकिन इस पर शियो काफी डर जाती है। शिंजी आगे कंटिन्यू करता है, क्या तुम ये नहीं करना चाहती हो, तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूं, क्योंकि अगर वो मैं होऊंगा तो गौरी-सान पक्का मारा जाएगा, बट क्या तुम ये गन मेरे हाथों में दे सकती हो। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को छोड़ें और अगर तुम्हारे एक्शंस को कंसीडर करें, तो इस गन का यूज करना जरूर तुम्हारे मिशन का पार्ट होगा, तो क्या ये परफेक्ट चांस नहीं है कि तुम अपना मिशन कंप्लीट कर पाओ। लेकिन तभी शिबे भी बोलता है, शियो प्लीज, मुझे ये काफी अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी लाइफ तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं। लेकिन इस पर भी शियो रिफ्यूज करती है। शिबे उसे मनाते हुए बोलता है, मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो और तुम्हें ये करना ही होगा जिससे कि तुम युईची को भी बचा पाओ, बताओ। सो प्लीज शियो, इस ट्रिगर को पुल कर देना मेरे लिए और युईची के लिए भी। बट शियो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, वो किसी को भी जान से नहीं मारना चाहती थी। और तभी आवाज आती है, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, सो बताओ तुम्हारा क्या आंसर है। और तभी शिबे अपने आप को वॉलंटियर करता है, मैं आने के लिए रेडी हूँ, सो तू बनेगा सैक्रिफाइस, तो चल आ जा। और तभी शिबे शियो को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से जाने लगता है। शियो उसे आखिरी बार दोबारा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शिंजी उसे रोकते हुए बोलता है, अब तुम काफी लेट हो चुकी हो शियो, अब प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, सो देखते हैं तुम जीतती हो या हारती हो, ये सिर्फ एक फ्लैश में खत्म हो जाएगा। और हाँ एक और बात, अगर तुमने थोड़ा सा भी हेजिटेशन किया तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और तभी गौरी बोलता है, तो आ जा बच्चे, अब जल्दी आ जा। शिबे उससे बोलता है, पहले तुम उस लड़की को जाने दो, जिस पर गौरी बोलता है, पहले तू तीन कदम आगे आ। और वैसे ही शिबे तीन कदम आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही तीन कदम आगे बढ़ता है, शिंजी चिल्लाकर बोलता है, अभी अभी ही टाइम है, जल्दी से उसे शूट करो। शियो शूट करने के लिए तैयार थी, बट अभी भी वो हेजिटेट कर रही थी। सारे ही लोग उसे चिल्लाकर बोलते हैं, आखिर तुम शूट क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम उन लोगों को मरने देना चाहती हो। अरायनागी भी चिल्लाकर बोलता है, आखिर तू ये क्या कर रही है, ये सारी तेरी ही गलती होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो। और तभी कोकोरोगी भी बोलती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शियो चान, अगर तुम अपने आप को जस्टिस बोलती हो तो तुम्हें इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस बात से शियो भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या अब उसे जस्टिस के लिए किसी को मारना पड़ेगा। और एट लास्ट शिबे भी उसे चिल्लाकर बोलता है, शियो जल्दी से शूट करो, प्लीज मेरे लिए शूट करो। लेकिन भाई तभी युईची आ जाता है। वो सावाराई को रोकते हुए बोलता है, शूट मत करना। और उसे देखकर अभी सबसे ज्यादा शॉक गौरी हुआ था। वो उससे बोलता है, काटागिरी युईची, तू यहाँ से भागा नहीं था। जिस पर अपना युईची बोलता है, नहीं मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी उस चीज की कि कैसे तुझे इस घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन गौरी उस पर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस घर में मुझे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन इस पर युईची एक लाइटर जलाते हुए बोलता है, क्या सच में। और वैसे ही वो उस लाइटर को फेंक देता है, और जैसे ही वो लाइटर फ्लोर को छूता है वहां पर चारों तरफ आग लग जाती है। युईची उससे बोलता है, मैंने पूरे ही घर में सेकंड फ्लोर तक गैसोलीन डाल दी है, और इस वजह से अगर हम यहाँ पर एक मिनट भी और रुके तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा।
सो बता गौरी, अब तू आखिर क्या करेगा? क्या तू यहाँ पर ही रुककर मरना चाहेगा या फिर उस लड़की को यहाँ पर मार डालेगा? बट तू कुछ भी कर, तुझे एक मोमेंट के बाद इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। और बाहर खड़ा एक भी इंसान एक चाइल्ड मर्डरर को कभी भी माफ नहीं करेगा। और उसकी यही बात सुनने पर गौरी उस पर काफी गुस्से में चार्ज कर देता है। लेकिन तब तक युईची घर से बाहर निकल गया था। गौरी काफी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, आखिर क्यों? आखिर कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता। मैंने हमेशा ही अच्छी चीजें करी हैं, मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चला हूँ। सो इन दी एंड आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मैं अकेला ही क्यों रह जाता हूँ? और भाई उसकी यही बकवास सुनने के बाद शियो पर रहा नहीं जाता। वो उसे काफी जोर से लात मारते हुए बोलती है, वो इसलिए क्योंकि तू झूठा है। तूने जस्टिस को बचाने के लिए झूठ बोला और अपने आप को ही भूल गया। हाँ ये सच है कि तू बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में नहीं था और तुम उन लोगों से घिरे हुए थे जो कि बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। लेकिन अगर तू ऑनेस्ट होता और अपने आप से सच्चा होता तो एट द वेरी लीस्ट मैं तेरी साइड खड़ी होती। और वैसे ही शियो उस पर गन पॉइंट कर देती है। सारे ही लोग बोलते हैं, अभी अभी उसे मार दो, हाँ उसे शूट कर दो। और तभी शियो बोलती है, हाँ ये सच है, मेरे को अपना मिशन कंप्लीट करना है जिस वजह से मुझे इस गन का यूज करना है जिससे मैं किसी को पनिश कर पाऊँ। और फिर वो गौरी को उसी गन से वाइप मारती है। लेकिन इसको देखने के बाद शिंजी बोलता है, पिस्टल वाइप, हाँ बट क्या इस चीज को काउंट किया जाएगा जिससे तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो पाए? लेकिन इस पर शियो बोलती है, ये मेरे लिए काफी है, अब बेशक मैं एलिमिनेटी क्यों ना हो जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज कर ली है, नो मैटर वॉट मैं हमेशा जस्टिस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करूंगी, नॉट अकॉर्डिंग टू दैट जो कि मुझे लगता है सही है। सो बताओ युईची, क्या मैं गलत हूँ? जिस पर अपना युईची भी बोलता है, हाँ तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। और यही सुनने पर शियो को वो बात याद आ जाती है जो कि युईची ने उससे लास्ट गेम के एंड पर बोली थी। युईची ने शियो को बोला था कि हो सकता है नेक्स्ट गेम में सिचुएशन इतनी बुरी आ जाए जहाँ पर तुम किसी पर भी भरोसा ना कर पाओ, और मैं तुमसे ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करना क्योंकि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ। सो प्लीज शियो, तुम वही करना जो तुम्हें सही लगता है, फिर चाहे वो चॉइस मेरे लिए कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं उस चीज का ग्रस्त तुम्हारे लिए कभी भी नहीं रखूंगा। और इसी के साथ फाइनली युईची पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। युईची उससे बोलता है, सॉरी फॉर एवरीथिंग सावारागी। जिस बात पर शियो काफी खुश थी वो उससे बोलती है, इट्स ओके, अब मैं खुश हूँ, आखिर सारे ही लोगों ने मुझे शूट करने को बोला बट तुम ही वो अकेले इंसान थे जिसने मुझे ये करने से रोका। और इसी के अगले पल युईची उससे गन लेते हुए बोलता है, एग्जैक्टली इतनी बुरी चीजें तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती बिकॉज वो सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ये गंदा काम करेगा। और बस उसी मोमेंट पर शियो ने ये रियलाइज कर दिया था कि आखिर अभी क्या हो रहा है। आग काफी तेज भड़क चुकी थी, पूरा घर तहस नहस होने वाला था। और तभी माउंटेन्स के बीच में से काफी तेज गनशॉट की आवाज आती है, उसी के साथ एक इंसान पूरी तरह से खून में भिड़ा हुआ था। हम सारे ही लोगों ने इस फ्रीजिंग माउंटेन में अपनी रहने की जगह खो दी थी, अब उस आग को बुझाने का कोई मतलब नहीं था। उस घर में उन सारे ही प्लेयर्स का आखिरी राशन खत्म हो चुका था। और तभी युईची हंसते हुए बोलता है, मिशन कंप्लीट हुआ और अब होगा असली खेल शुरू। और जब मैंने उन वर्ड्स को सुना तब मुझे ये फाइनली रियलाइज हुआ कि इस फ्रेंडलेस गेम का असली खतरा तो अब सिर्फ आना शुरू हुआ है। और इसी मोड पर अब ये गेम एक अनएक्सप्लोर्ड हेल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और यहीं पर अपना ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। ये बाय फार अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था एंड आई होप कि आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया हो। अब से ये गेम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा बिकॉज अब इन लोगों के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सारे ही लोग लॉस से बाहर आ चुके हैं, मतलब अब ये लोग वायलेंस भी कर सकते हैं। सो अब पता नहीं आगे क्या होगा बट जो भी होगा खतरनाक ही होगा। सो ये चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे भी खतरनाक सीन्स आगे जरूर होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।